कभी राव इंद्रजीत का पार्टी से चले जाना तो कभी अंबाला से सांसद कुमारी शैलजा के तीखे तीर पार्टी के लिए घातक होते जा रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान बार बार नेताओं को बयानों से बचने की नसीहत देती रहती है, पर बावजूद इसके ना तो कोई विधायक और ना ही कोई सांसद बयानों से परहेज कर रहे हैं। नया युद्ध हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद मुलाना और राज्यसभा सांसद ईश्वर सिंह के बीच में है। सांसद ईश्वर सिंह केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा के खेमे में बताए जा रहे हैं और कुमारी शैलजा भी ईश्वर सिंह का काफी सपोर्ट करती दिख रही है। जब भी ईश्वर सिंह बयानों में उलझे हैं, कुमारी शैलजा ने ईश्वर सिंह का बचाव कर दूसरे नेताओं पर जमकर पलटवार भी किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष फूलचंद मुलाना के ईश्वर सिंह पर दिए बयान पर कुमारी शैलजा ने पलटवार किया है। कुमारी शैलजा ने कहा कि ईश्वर सिंह को सांसद सोनिया गांधी और कांग्रेस ने बनाया है। साथ में उन्होंने फूलचंद मुलाना को पद की गरिमा बनाए रखने की नसीहत भी दी है। कांग्रेस के राज्यसभा के एमपी हैं वो, अब सोनिया गांधी का ये फैसला है, उनको अगर उस फैसले से कुछ दिक्कत है तो सोनिया जी से बात करें। लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष इस तरह के बयान दे, अब थोड़ा ग्रेस तो रखनी चाहिए। आपको बता दें कि कुमारी शैलजा का ये बयान फूलचंद मुलाना के बयान पर पलटवार है, जिसमें उन्होंने राज्यसभा सांसद ईश्वर सिंह को गैर कांग्रेसी तक कह दिया था। ईश्वर सिंह जी बेसिकली कांग्रेस के आदमी नहीं है, वो कुछ भी बोल दें वो किसी व्यक्ति विशेष के कहने पे बयानबाजी करते रहते हैं। ईश्वर सिंह जी, मैंने पहले भी कहा है, सिर्फ 1970 में जब जनता पार्टी बनी थी वो जनता पार्टी से एक बार एमएलए बने थे, उसके बाद वो कभी कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़े। एक बार बंसीलाल की पार्टी से लड़े, एक बार इंडिपेंडेंट लड़े। अब किसी नेता विशेष ने उनको राज्यसभा का मेंबर बनवा दिया टिकट दिलवा के, तो वो क्या कहें वो ही जाने। कांग्रेस कल्चर का उनको समझ लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। बयानों के इस युद्ध में किसकी जीत होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर जिस तरह से हरियाणा कांग्रेस में जमकर बयानों के तीर चल रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अंबाला से तरुण कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन क्या सचमुच सब कुछ ठीक चल रहा है? जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह के बयानबाजियां हो रही हैं, जिस तरह की बातें की जा रही हैं, कोई डमी उम्मीदवार बताता है फूलचंद मुलाना को, तो कोई कहता है वो व्यक्ति विशेष की राजनीति करते हैं। और अब ईश्वर सिंह ने जब उन्हें कहा तो ईश्वर सिंह को उन्होंने गैर कांग्रेसी नेता तक कह दिया कि वो तो कांग्रेस के आदमी नहीं है, वो तो कभी कांग्रेस के कहें कि वो किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। तो अब कुमारी शैलजा ने पलटवार किया है, केंद्रीय मंत्री है, दिग्गज नेता है, वो कहती है कि फूलचंद मुलाना को अपने पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। वो क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं? उन्हें आलाकमान यानी कि सोनिया गांधी ने चुना है, उन्होंने सांसद बनाया है, और इस बारे में अगर कोई शिकायत है तो वो सोनिया गांधी से बात करें। यानी कि फूट अब जग जाहिर है, हर बार हर रोज हर नई चीज फूट से शुरू होती है, रोज कोई ना कोई इस तरह का बयान दिया जाता है, और इस बयान का जो असर है वो सबसे ज्यादा पड़ रहा है जो कांग्रेस का अपना जनाधार है, जो कांग्रेस का अपना कैडर है उस पर पड़ा है। फिलहाल हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता रण सिंह मान जी फोनलाइन पर मौजूद है। रण सिंह मान जी, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। थैंक यू। रण सिंह मान जी, आप कहेंगे कि हम जब भी आपसे बात करते हैं तो हम कांग्रेस की फूट की बात करते हैं, लेकिन हम भी क्या करें, रोज खबरें आती हैं, बड़ी खबर में रोज इस तरह की खबरें आती हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो बयान है, जो कांग्रेस के नेता देते हैं, मजबूर हो जाते हैं हम भी आपसे सवाल पूछने के लिए। तो वही सवाल मैं आपसे आज फिर पूछने जा रहा हूं कि ईश्वर सिंह को लेकर जो फूलचंद मुलाना जी ने बयान दिया था आज, उस पर कुमारी शैलजा जी ने कहा है कि मुलाना साहब अपने पद की गरिमा का ख्याल करें, और अगर ईश्वर सिंह को किसी ने सांसद बनाया है तो वो सोनिया गांधी है, उन्हें शिकायत है तो उनसे कहें। तो आपको नहीं लगता जब एक कैबिनेट स्तर की मंत्री, दिग्गज नेता है कुमारी शैलजा भी, वो इस तरह की बात करते हैं तो मुलाना साहब को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था? ऐसा है कि जहां तक मर्यादा का ख्याल रखने की बात है वो तो सभी को रखनी चाहिए जी, चाहे वो किसी भी पद पर हो, वो छोटे पर हो, बड़े पर हो, चाहे साधारण में हो जी। अब इस पे किसी को कोई डिस्प्यूट नहीं है कि ईश्वर सिंह कांग्रेस के सांसद हैं राज्यसभा में जी। और निश्चित रूप से वो, उन्होंने जब वो राज्यसभा के मेंबर बने तो
तो हाई कमांड के फैसले के मुताबिक ही बने। लेकिन खुद मुलाना जी, मेरी बात सुनिए ना पूरी आप। मौलाना जी जो बात कर रहे हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो कांग्रेसी नहीं है, वो मतलब उनका वो उन्होंने केवल इतना भर कहा कि उनका अतीत कांग्रेस का नहीं है। लेकिन शायद वो इतनी डिस्प्यूट की बात नहीं है तो उसमें क्या बात हुई। लेकिन मान साहब डिस्प्यूट मीडिया ने नहीं खड़ा किया है, जनता ने नहीं खड़ा किया है, खुद कांग्रेसी नेता आपस में खड़ा कर रहे हैं। उनका जो पूरा बयान है वो ये है कि वो तो कांग्रेस के हैं ही नहीं बेसिकली, जो आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा वो तो किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो तो कांग्रेस के ही नहीं है। ये कहना बड़ा गंभीर है, ये इतना ही गंभीर है। वो ये कह रहे हैं कि उनका अतीत कांग्रेस का नहीं है तो उनकी बात को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। वो इतना भर कर रहे हैं, यदि फूलचंद मौलाना आज प्रदेश अध्यक्ष है, यदि ईश्वर सिंह जी हाई कमांड की या सोनिया जी की उससे बने हैं जी, तो क्या फूलचंद मौलाना किसी और की इजाजत से प्रदेश अध्यक्ष है? नहीं, वो भी उनके ऊपर भी तो हाईकमांड का आशीर्वाद होगा, हाईकमांड का विश्वास होगा, तभी तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं ना प्रधान। बिल्कुल, लेकिन तो इसलिए ये कोई बात नहीं, ये मतलब हमारी अंदरूनी बात है और हमारा फैसला भी है। बिल्कुल, रण सिंह मान साहब या कोई और भी, हम मीडिया से इन बातों को शेयर, बिल्कुल मान साहब हम बिल्कुल कहते हैं कि जो पार्टी के अपने फैसले होते हैं वो मीडिया से वो शेयर नहीं करना चाहती। लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, इसमें मीडिया का तो कोई रोल ही नहीं है। फूलचंद मौलाना साहब ने बयान दिया मीडिया को, मीडिया ने वो दिखाया, आज कुमारी शैलजा जी ने भी खुद उस पर पलटवार किया, यानी आपकी पार्टी के नेता मीडिया को बता रहे हैं, ये बयान हमने तो कोट किया नहीं। नहीं, जो बात हुई मैंने उसको स्पष्ट कर दिया, मतलब इसमें ज्यादा आप कुछ नहीं कहना चाहते। नहीं, इसमें ये विवाद की बात नहीं है कि ईश्वर सिंह जी आज की तारीख में यदि वो राज्यसभा में मेंबर है तो कांग्रेस के हैं तो वो कांग्रेसी हैं। उन्होंने जो कहा वो सिर्फ इतना बरता, उनकी एक बात को अलग करके और छांट करके उससे रिजल्ट निकालने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना भर कहा था कि उनका अतीत कांग्रेस का नहीं है, और रही बात यदि वो कांग्रेस के हैं तो क्या, और हाईकमांड के उसे आशीर्वाद से यहाँ पे है, तो क्या फूलचंद मौलाना जी किसी और की इजाजत से? बिल्कुल, मैं आपकी बात मान गया आप जो कह रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जो बयान दिया है वो खुद कांग्रेस की ही दिग्गज नेता कुमारी शैलजा ने दिया। नहीं, वो कुछ बातें ऐसी होती हैं, आप एक किसी भी बयान को उसको एक हिस्से को काट करके करोगे तो उसके और, लेकिन मान साहब हमने आज किसी तरह कोई एडिटिंग नहीं की है, कोई हिस्सा नहीं काटा है, हमने कोई हिस्सा नहीं काटा। कुमारी शैलजा जी ने खुद कहा है कि फूलचंद मौलाना जी को अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, और उन्हें तो मैं भी कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं या कोई और भी कहेगा, ये अच्छी बात है, हर किसी को अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, हर आदमी को अपनी मर्यादा में रह करके काम करना चाहिए, और पार्टी के लोगों को जब ये फैसला हो चुका पार्टी प्लेटफॉर्म पे कि हम किसी मीडिया से शेयर करने के बाद हम पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही इसकी चर्चा करेंगे, तो वो तो हर इंडिविजुअल का फैसला है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, आपने फैसला किया लेकिन उसके बावजूद बयान आने बंद नहीं हुए, आपको नहीं लगता इस बात की गंभीर समस्या? यदि आप उनको सेलेक्टिवली और आइसोलेटेड करके देखोगे तो उसके और नतीजे निकलेंगे, उसका और अर्थ निकलेगा, और यदि आप किसी उसको पूरे संदर्भ में देखोगे तो उसका मतलब वो चीजें नहीं निकलेंगी जो आप निकाल रहे हो। मतलब आप कहते हैं कि बयान जो दिए जा रहे हैं वो मीडिया दिलवा रही है, नेता कुछ नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं कहा जी। मतलब कुछ देखो, राजनीति में ये दो बातें समझनी चाहिए और सबको समझ लेनी चाहिए। नंबर एक कि हर आदमी एक खास क्षेत्र में और एक खास मुकाम पर जहाँ राजनीति में होता है उस वो ऐसी बात कहेगा जो उसकी राजनीति को मजबूती देती है, और दूसरी बात यह है कि जब चुनाव नजदीक होते हैं तो हर छोटी बात को भी मीडिया भी उसको बड़ी बात करके कहेगा और लोग भी उसको अलग तरीके से लेते हैं। चलिए, हम तो रण सिंह मान साहब ये कहते हैं अगर कोई इतनी बड़ी बात है, यहाँ इतनी कोई सीरियस बात नहीं है कांग्रेस में, यदि कोई वो हम ये नहीं कहेंगे और न कभी किसी भी प्लेटफॉर्म पे या किसी मीडिया को ये नहीं कहा कि हम वैसे ही करेंगे जैसे कि रीजनल जो आउटफिट है वो अपने लोगों को कुछ अपने मन की बात नहीं करने देते, उनको यदि राजनीति में और अपने खास क्षेत्र में कोई बात यदि उनकी राजनीति के अनुकूल है तो एक सीमा तक कहने की कांग्रेस इजाजत देती है और उसके अलग रथ नहीं निकालने चाहिए। लेकिन ये तो सीमाएं टूट रही हैं मान साहब। ना, नहीं टूट रही हैं,
और जिस दिन टूटेगी तो कांग्रेस उसका संज्ञान अपने ले ले जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रण सिंह मान साहब हमसे बातचीत करने के लिए। मान साहब कहते हैं कि अभी सीमाएं नहीं टूटी, तो क्या सीमा टूटने का इंतजार किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि डिसिप्लिन्ड बयान तो नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो बहुत डिसिप्लिन पार्टी है, उसके यहाँ इजाजत भी है तमाम चीजें कहने की, अपनी बात रखने की, लेकिन पार्टी की खिलाफत नहीं होती। लेकिन जो बयान आ रहे हैं उसमें जो बू आ रही है, जो खुशबू आ रही है, वो कहीं ना कहीं बगावत की आती है, फूट की आती है, कि नाराजगी की आती है कि एक दूसरे से खुश नजर नहीं आते हैं कुछ नेता, और इस नाराजगी को दूर करना पड़ेगा। हमने बहुत सारे नेताओं से बात की है, आज भी की है, और उन नेताओं का भी यही कहना है कि जब जो गवर्नर है, जो चलाने वाली, जो शासन करने वाले शासक होते हैं या जो चलाते हैं, जो राज करते हैं, अगर संगठन कमजोर होगा तो शासक यानी कि राज निरंकुश हो जाएगा, कुछ इस तरह की बातें भी की गई हैं। तो इस तरह की बातें जब सामने आती हैं तो दिक्कतें उठनी लाजमी है, और मीडिया किसी चीज को काट छाट कर नहीं दिखाती, वो हकीकत बताने की कोशिश करती है, नेता के मन की मंशा को पढ़ने की कोशिश करती है कि जो हरफ उसके अंदर लिखे हैं, जो शब्द उसमें उखेरे गए हैं, उन्हें एक कोरे कागज पर साफ साफ जनता को दिखा सके कि आपके चुने हुए जनप्रतिनिधियों के मन में क्या कुछ चल रहा है। इसी के साथ बड़ी खबर में छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी बड़ी खबर अभी बाकी है।